हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं नव दुर्गा माता जी का दर्शन करने के लिए। फाइनली हम लोग टैक्सी के अंदर बैठ चुके किशोर सिंह जी के, और माता जी के दर्शन करने के लिए जा रहे। उससे पहले हम लोग स्टूडियो जाएंगे, वहां पर रुकेंगे, उसके बाद वापस हम लोग आगे बढ़ेंगे मंजिल की तरफ। हाय गाइस, तो फाइनली हम कुलदेवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच चुके। यहां पर हमारा गाना जो भी आता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। और कुलदेवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार का है, जो आप लोग देख रहे होंगे हमारे साथ। और अभी हम लोग आ चुके हैं नव दुर्गा माता जी के मेन मंदिर, जहाँ पर दर्शन करने के लिए, और साथ साथ में आपको भी कराएंगे। और यहाँ पर हम लोग पहली बार आए, इससे पहले हम नहीं आए हुए हैं यहाँ पे। और ये बाहर दो प्रतिमा लगाई गई जिनके हाथ बंदूक दर्शाई गई। एक प्रतिमा दाई तरफ है तो एक प्रतिमा बाई तरफ बताई गई, जिनके हाथ में बंदूक है दोनों साइड। हम अंदर आ चुके हैं, अंदर का व्यू कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर धर्मशाला बनाई जा रही है जिनका काम अभी भी चालू हुए है। माता जी की ध्वजा आण बाण सांतन के साथ लहराती हुई, और ये नाग देवता का मंदिर है यहाँ पे। और ये हनुमान जी महाराज की प्रतिमा मंदिर परिसर में ये देख सकते हो। ऊपर पत्रे दिए गए हैं जो आप लोग देख रहे होंगे लोहे के, और ये माता जी की मेन प्रतिमा है होगी जो हम मंदिर जाकर के आपको दर्शन करवाएंगे, और साथ साथ में हम लोग भी दर्शन करेंगे। हम भी फर्स्ट टाइम है, और हमारे घर यानी भिनमाल से जो मेन चौराहा है वहाँ से 6 किलोमीटर पड़ जाए, तो ये भिनमाल के अंदर ही है। और ये नव दुर्गे माता जी है, ये जो सबसे पहले गणपति भगवान जैसी माता जी दिख रही है। अभी माता जी मुझे एक टाइम लगा था कि गणपति भगवान है, तो मैंने इनको छोड़ के मूर्तियाँ गिनी तो 8 हुई थी। बाद में वापस इनके समेत गिना तो 9 मूर्तियाँ। फिर मैंने ध्यान लगाया तो पता चला इनके भी लेडीज़ कपड़े वगैरह पहनाए गए। इसका मतलब ये भी कोई देवी है जिनकी प्रतिमा गणपति भगवान के स्वरूप में बिठाई गई है। और यहाँ पर नव दुर्गा माता जी का मंदिर है, और ये काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ पर काफ़ी लोग आते करते, यहाँ पर लोकेशन अच्छी है। कुछ लोग यहाँ पर पिकनिक पार्टी वगैरह करनी हो, खाना वगैरह बनाना हो, यहाँ पर आकर भी बना सकते हो। घर से यहाँ पर आकर के खाना हो तो भी खा सकते हैं। यहाँ पर बगीचा, वहाँ पर भी आपको लेकर जाएंगे, घुमाएंगे। और ये ढोलक पड़ा है, ढोल। अभी हम लोग मेन परिसर के अंदर घूम रहे हैं, आप लोगों को भी बता रहे। और ये मंदिर जो कुछ जर्जर अवस्था के अंदर हो गया है, क्योंकि काफ़ी ओल्डेस्ट मंदिर है इसीलिए। और तुषार और दीपिका की वीडियो शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हो आप लोग किस प्रकार से ये लोगों को शूटिंग हो रही है यहाँ पे। बाद में 2-4 दिन बाद हमारा इस चैनल पे तुषार व्लॉग्स के ऊपर आपको सॉन्ग भी मिल जाएगा बहुत ही जल्द। और देखो यहाँ पर कुछ खंडित मूर्तियाँ भी रखी गई है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनकी शूटिंग चल रही है। और हम आपको मंदिर का व्यू वगैरह बता रहे हैं। और ये खंडित प्रतिमा या तो ज़मीन के अंदर से निकली होगी। यहाँ पर हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है और देख सकते हो। और यहाँ पर घंटियाँ कितनी सारी है जो लगाई गई, यहाँ पर घंट बजाए जाते होंगे आरती के समय। जो लोग मन्नत मानते हैं हमारा काम हो जाएगा, वो यहाँ करके घंटी लगाते। और देख सकते हो ये ग्राउंड है, और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये तालाब है। इसे मात्रा की पाल भी कहा जाता है, और माता की पाल कहता है कोई, मात्रा की पाल कहते हैं। जैसे मैंने इसको हिंदी के अंदर मात्रा की पाल कहा जाता है। या फिर से हम आपको नज़दीक ले जा करके माता जी की जो सवारी शेरों वाली कहाँ जाता है वो हम लोग आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर शेर बैठे हुए हैं माता जी के, जगदम्बी माता के। और ये त्रिशूल है, यहाँ पर बहुत सारे हार पहनाए गए त्रिशूल को। एक तरफ यज्ञ कुंड, यज्ञ कुंड के अंदर भी 2 तस्वीरें लगाई गई है, और रमेश भाई और प्रोड्यूसर के रूप में, और लक्ष्मण भाई कैमरामैन के रूप में शूटिंग करते हुए, दीपिका तुषार कलाकारी करते हुए और अपना प्रदर्शन बता रहे हैं यहाँ पर। और ये बाहर का वातावरण व्यू देख सकते हो, आसमान का कितना खूबसूरत लग रहा है, जो कि मन को हरने वाला है। ब्यूटीफुल लग रहा है व्यू, और माता जी की दया मंदिर की अच्छी लग रही है। और ये गेट जहाँ से होते हुए हम मंदिर आए थे, और यहाँ पर धर्मशाला का काम भी बन रहा है, काम अभी श्रम सीमा पर यानी बन तो चुका है, लगभग बन रहा है ऐसे। और ये आधुनिक घंटी जो वर्तमान में बज जाती, पहले ढोल वाली थी जो मैंने बताया था आपको, ढोल भी था यहाँ पर। और ये माता जी का मंदिर, और ये शूटिंग करते हुए जो मैंने कई बार आपको बताया है। और इस मंदिर के चारों तरफ हम आपको लेकर जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग परिक्रमा करेंगे, उसे कहते हैं फेरी लगाना, हम भाषा के अंदर कह सकते हैं। तो बैक साइड से आपको मंदिर दिखा रहे हैं, और ये मंदिर काफ़ी ओल्ड एज देखते पर ऐसा ही लग रहा है मेरे को, आप लोग भी देख रहे होंगे हमारे साथ साथ। आप लोग भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो भिनमाल के अंदर रहते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं आए होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम खुद पहली बार यहाँ पर आए। मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं वो मंदिर से भी पुरानी मूर्ति है, मंदिर बाद में बना मूर्ति है उससे भी पुरानी। यहाँ पर छेद दिख रहा है पत्रे के ऊपर, बाकी पत्रों के ऊपर छेद वगैरह नहीं है, एकदम ऐसे प्लेन के अंदर है। और यहाँ पर छेद की इसका कारण है यज्ञ कुंड, यज्ञ कुंड का धुआं बाहर जाने के लिए यहाँ पर छेद किया गया है। पहले यहाँ पर ये पत्रे नहीं थे, ये बाद में लगाए गए। और देख सकते हो कैमरामैन शूटिंग लेते हुए हम उनसे बता रहे किस प्रकार से ये एक्शन ले किया जा रहा है, कैमरे के अंदर इनकी शूटिंग आ रही है। और हम एक बार फिर से आपको माता जी के दर्शन करवा देते हैं,
जो आप लोग देख रहे होंगे हमारे साथ साथ ये माता जी है नौ देवियों के रूप में। ये सब नव दुर्गा नहीं, अम्बे माता कह सकते हैं, पार्वती माता भी कह सकते हैं, इनके ये सब रूप है जो आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर गणपति का भगवान का जो रूप है वो स्त्री के रूप में दर्शाया गया, एकमात्र पहला मंदिर मैंने देखा है अब तक जहाँ पर गणपति का स्त्री रूप दिखाया गया है। और यहाँ पर ये महात्मा लोग बैठे, साधु संत है जो इस मंदिर की अंदर पूजा पाठ करते हैं, निगरानी वगैरह रखते हैं। अभी हम लोगों की जो नेक्स्ट शूटिंग होगी वो गार्डन में होगी, यानी कि बगीचे के अंदर। अभी हम लोग आ चुके हैं बगीचे के अंदर, पहले कुल्ले पे रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, वहाँ पर गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद में हम अलग अलग लोकेशन पर शूट के लिए जाते हैं। हमारे दो गाने तो आ चुके हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, एक तो छोटे दादाजी मोहन बा पर आया है, एक गाना हम लोगों का श्यामकरी माता पर आया है, और एक और ये गाना आ रहा है। ये गाना कौन से भगवान पर आ रहा है ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है। घर से रवाना हुए तब भी आप लोगों का सरप्राइज था, आपको लगा आप दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, तो हमारा शूटिंग का भी यहाँ पर विचार था इसलिए हम आए। ऐसे तो मैंने उद्देश्य हमारा दर्शन करना था, बाकी लोग बाकी शूटिंग तो हर कहीं आ सकती है, लेकिन माता जी का गाना है तो हमको लगा कि नौ दुर्गा माता का मंदिर हमको पता चला, तो हम लोगों ने हम लोग यहाँ पर आए और दर्शन भी किए पहली बार। कैमरामैन वगैरह सब लोगों ने पहली बार दर्शन किए ऐसे तो। और फिर यहाँ पर गार्डन था, तो यहाँ पर शूटिंग गार्डन नहीं होता, हम कहीं और जाते शूटिंग के लिए, और प्रोड्यूसर बताते हुए एक्शन वगैरह करके आपको ये ऐसे करना है ऐसे करना है, और कैमरामैन शूटिंग करते हुए लक्ष्मण सिंह राव और प्रोड्यूसर रमेश कुमार घासी के साथ, नितेश कुमार दबे के साथ व्लॉगिंग, और ये वहाँ टैक्सी ड्राइवर निरीक्षण करते हुए गार्डन का किशोर सिंह जी। यहाँ पर ब्लूटूथ रखा गया जिसके अंदर सॉन्ग बज रहा है स्पीकर के अंदर ब्लूटूथ कनेक्ट करके, और यहाँ पर शूटिंग वगैरह सब चल रही है गार्डन के अंदर, और पक्षियों के चहकाने की आवाज़ें वगैरह भी सब आ रही है अलग अलग प्रकार के। दीपिका और तुषार अब प्रैक्टिस करते हुए रमेश भाई बता रहे किस प्रकार से करना है, ऐसे हाथ करो वगैरह जो भी। और गार्डन काफ़ी पसंद आया मेरे को, यहाँ का पेड़ वगैरह सब ऊँचाई पे जो देख सकते हो आप, बड़े बड़े पेड़ वगैरह है, और हर किसी मंदिर के अंदर गार्डन होता ही बगीचा, ताकि ठंडक रहे, फूल वगैरह मिल जाए भगवान जी को चढ़ाने के लिए वगैरह। और एक्शन काफ़ी अच्छी आ रही है इन लोगों की शूटिंग, और आप मेन शूटिंग सॉन्ग बाद में देखोगे जब वीडियो सॉन्ग आ जाएगा तब हमारा हम भी देखेंगे आप भी देखोगे तब, एडिटिंग वगैरह सब होगा करेगा तब। और देखो किशोर जी जी मतलब देख रहे हैं यहाँ पे कोई गाय गई माता है जो गौ माता जो बीमार है। यहाँ पर गणपति का स्त्री रूप था तो उसके लिए स्त्री लिंग लगेगा, एग्जाम्पल के जैसे गणेश जी होता है तो यहाँ पर हो जाएगा गणेशयानी गजनिनी गणेशरी गजमुखी, जैसे विनायक होता है तो विनायकी विनायकनी, ऐसे ऐसे हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। गणपति भगवान के स्त्री रूप की कई सारी कथा है, तो एक कथा मत्स्य पुराण के अनुसार ये है कि जब कोई राक्षस था जिसका नाम था आंदोक, वो पार्वती माता का अपहरण करने आया तो गणपति भगवान से ही देखा नहीं गया, तब उन्होंने स्त्री का रूप धारण कर लिया था, क्योंकि उसका मौत ऐसे होने वाला नहीं था, क्योंकि कई सारे राक्षसों को अलग अलग वचन होते थे जो आप लोगों को भी मालूम ही होंगे। तो फिर गणपति भगवान ने स्त्री का रूप धारण करके उनको वध किया था, इसलिए फिर गणपति भगवान गणेश चांदी के रूप में भी जाना जाता है। बौद्ध और जैन साहित्य में भी इसकी कथाएं मिल जाती है आप लोगों को, देख सकते हो सूर्य भगवान सनसेट मोड पे है। और अभी हम लोगों की जो शूटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम लोग प्रस्थान करते हुए यहाँ से, और देख सकते हो गार्डन कितना अच्छा लग रहा है। देखो सूर्य भगवान सनसेट मोड पे, यहाँ पर नली वगैरह लगाई की है, यहाँ पर पानी की फुल व्यवस्था है। बौद्ध और जैन साहित्य में ये कहा जाता है कि गणपति स्त्री के रूप में बताया गया है, जैसे कि विनायक की कहा गया है न कि विनायक। तो इसमें सोशित योगियों की बात की गई जिनकी बनावट भी गजानन की तरह ही है, इस तरह की बनावट वाले गणेश शनि की इन मूर्तियों को काशी और उड़ीसा में पूजा जाता है। इनके हाथ में अक्सर युद्ध की कुल्हाड़ी या प्रसु होता है, और गणेश शनि यानी जो स्त्री का रूप भगवान का गणपति का बताया गया है उसके अंदर तांत्रिक विद्या भी की जाती है तांत्रिकों द्वारा, और कई सारे लेखकों द्वारा इस बात का जिक्र किया गया है कि विनायक की 16वीं शताब्दी में जानकारी में आई, जिनकी आधी बनावट एक हाथी और आधा शरीर पर शरीर एक सुंदर स्त्री का था। इनकी मूर्ति बैठे हुए खड़े हुए नृत्य करते हुए पाई गई, मान्यता यह भी है कि ये खुद एक देवी है, गणेश जी से इनका कोई संबंध नहीं है। कोई मूर्तियाँ गणपति की खड़ी थी तो कोई बैठी हुई थी, और ये मात्रा की पाल है, मात्रा जी की पाल कहाँ जाता है इसको जो देख सकते हो आप लोग, किस प्रकार से पेड़ पौधे और काफ़ी जंगल टाइप दिख रही फैली हुई है, यहाँ पर वैसे बारिश के दिनों में पानी भी भरता है, बारिश का प्राकृतिक पानी। सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इसके अंदर बताया गया मैंने पहले बोला आदुक नाम का जो राक्षस आया था उसके अंदर शिव जी का ही अंश था वो, तो उसका अंत करने के लिए स्वयं गणपति भगवान को स्त्री का रूप धारण करना पड़ा, इसलिए गणेश भगवान गणेश जी से गणेशयानी बन गए थे। उसके बाद में सब कुछ हुआ, और तुषार को प्रोड्यूसर साहब बताते हुए सब कैसे करना है क्या नहीं करना है जो भी। और देखो एक और तुषार की रील शूट की जा रही है यहाँ पे,
यहाँ पर ठंडे पानी की भी अच्छी व्यवस्था है गर्मियों के लिए, और यहाँ का पूरा टूर लोकेशन हम लोगों ने आपको दी। अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट करते हैं। जानकारी देने में हमसे कोई भी भूल हुई हो तो हम क्षमा मांगते हैं आपसे। हाय गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर। यहाँ पर आए, दर्शन वगैरह माता जी के किए, वीडियो शूट किया और हम लोगों ने यहाँ पर व्लॉग भी बनाया। बहुत ही जल्द ये सॉन्ग आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। नवदुर्गा माता जी मंदिर के बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार का है, जो आप लोग देख रहे होंगे। सड़कें हैं जो कि पक्की है और यहाँ पर गौ माता खड़ी है। वो आसमान देख सकते हो किस प्रकार से नज़ारे हो चुके, और कैमरामैन प्रोड्यूसर सब अंदर बैठते हुए, वही हम भी अंदर बैठ करके घर के लिए जा रहे हैं। तो फाइनली गाइस, हम लोग घर टैक्सी के अंदर बैठ चुके हैं। अभी हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। अंधेरा आने वाला है और यातायात वालों ने अपने लाइटें चालू कर दी है, इंडिकेटर की वगैरह जो भी होती है लाइटें, आगे वाले बल्ब वगैरह। और ये पीछे से बैक साइड का व्यू हम आपको दिखा रहे टैक्सी के। हम लोग घर आए तब तक अंधेरा पूरी तरह से छा चुका है, नाइट हो चुकी है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।